सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप विदाउट क्लच जो है गियर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरी जो बाइक है वो न्यूट्रल में है, कोई गियर अभी लगा हुआ नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बाइक मैंने स्टार्ट कर लिया। तो अब मैं सबसे पहले मतलब आपको सिखाऊंगा कि अपशिफ्ट कैसे करनी है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपशिफ्ट में जो है क्लच का यूज़ करते हैं। आप थ्रॉटल जब दे कर रखते हैं ऐसे, आप क्लच दबाते हैं उस टाइम थ्रॉटल छोड़ देते हैं, और उस बीच में आप इसी मतलब इस पोजीशन में जब आपका क्लच जो है प्रेस हो पूरा, देख सकते हैं आप अभी क्लच दबाएं, और जब आपका एक्सीलेटर रिलीज हो, मतलब एक्सीलेटर आपने कुछ भी ना दे रखा हो, उस टाइम आप गियर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अपसाइड। आपको करना यही है, बस आपको यहाँ पे क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको एक्सीलेटर छोड़ना है और गियर शिफ्ट करना है और वापस एक्सीलेटर देना है, ठीक है। ये ऐसे होता है अपशिफ्ट। अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अभी मेरी गाड़ी देखो फर्स्ट गियर में है और ये मैं चल दिया, और देखो मैंने हाथ भी नहीं पकड़ा है और मैंने शिफ्ट किया, और मैंने सीधा शिफ्ट किया, सीधा शिफ्ट किया। तो इट इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है। और देखो मैंने अभी डाउन शिफ्ट भी कर लिया, विदाउट क्लच मैंने डाउन शिफ्ट भी किया। तो डाउन शिफ्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब शिफ्ट बहुत ईजी है, मैंने देखो अभी तक क्लच का इस्तेमाल भी नहीं किया, मोड़ते हुए भी मैंने क्लच नहीं दबाया था, मैंने उस टाइम भी क्लच लेस डाउन शिफ्ट किया और अभी भी क्लच लेस मैंने अप शिफ्ट किया है। तो अप शिफ्ट क्वाइट ईजी, बस आपको नॉर्मली करना है, बस क्लच का यूज़ नहीं करना है। ये अप शिफ्ट एक्सीलेटर छोड़ के टाइम अप शिफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको अप शिफ्ट बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। बस क्लच का यूज़ करना नहीं है, बस एक्सीलेटर छोड़ना है, अप शिफ्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डाउन शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो डाउन शिफ्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको डाउन शिफ्ट की प्रैक्टिस नहीं है या मतलब आपको समझ ना आए तो प्लीज़ बाइक में मत करना, क्योंकि अप शिफ्ट से आपकी बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लच प्लेट या गियर पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। बट जो डाउन शिफ्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने के कारण आपकी बाइक पे जो है थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ सकता है, ठीक है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि क्लच प्लेट आपकी जो है बर्न हो जाए, फूक जाए, या कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, नॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो डाउन शिफ्ट आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। वैसे देखो बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंड करना है। देखो फर्स्ट गियर में भी मेरी गाड़ी है, अपशिफ्ट विदाउट क्लच अपशिफ्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्पीड का जो है आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है स्पीड कम हो गई है, ठीक है। तो अब मैंने एक्सीलेटर छोड़ा है और डाउन शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इंजन नॉकिंग की आवाज़ जिस टाइम आए एक्सेलरेट करने पे, उस टाइम आपकी गाड़ी जो है डाउन शिफ्ट मांग रही है। जिस टाइम अब देखो, अब इस गियर के लिए स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब सॉरी कम है, ठीक है। इस गियर में हाई स्पीड पे चलती है तो मतलब नॉकिंग की साउंड आने लगी है इंजन से, तो मतलब अब मुझे डाउन शिफ्ट करना है। और ये हो गया डाउन शिफ्ट, ठीक है, ईजी डाउन शिफ्ट। और मैं जैसे चाहे चला सकता हूँ, और मोड़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, स्पीड स्लो हुई मेरी, अब यहाँ गाड़ी को डाउन शिफ्ट की ज़रूरत है, मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया। जैसे ही इंजन से नॉकिंग की आवाज़ आने लगे, आपको डाउन शिफ्ट करना है एक्सीलेटर छोड़कर ही। अगर आप एक्सीलेटर आपने दे रखा है और उसी टाइम आपने अगर डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट किया तो वैसे तो होगा नहीं, ठीक है। ये देखो मैंने अभी एक्सीलेटर दे रखा है तो अप शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूँ गियर मेरे जो है वो इंगेज है जब तक आपका इंजन और मतलब इंजन से और टायर का कनेक्शन नहीं टूटेगा। या फिर क्लच का काम क्या होता है, इंजन को टायर से डिसंगेज करना, ठीक है। जब तक आपका एक्सीलेटर चलता रहेगा, एक्सीलेटर आपका घुमा हुआ होगा, तब तक इंजन और जो पिछला टायर है वो कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारा जो एक्सीलेटर जब हम छोड़ देते हैं, इस टाइम इंजन और टायर डिसकनेक्टेड है, तो मैं इस बीच में शिफ्ट कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपशिफ्ट करना हो या डाउन शिफ्ट करना हो। इसीलिए कहते हैं आप जब भी गियर शिफ्ट करें आपको एक्सीलेटर छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप डाउन शिफ्ट करें आपको कभी भी एक साथ दो तीन डाउन शिफ्ट नहीं करने हैं, विदाउट क्लच तो बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। विदाउट क्लच आपको बिल्कुल भी दो तीन डाउन शिफ्ट एक बार में नहीं करने हैं, आपको एक बार में एक ही डाउन शिफ्ट करना है। जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ, देखो अभी मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में है, ठीक है,
अब हल्का हल्का इंजन नॉकिंग आने लगी है, इंजन से नॉकिंग साउंड आने लगा है, जैसा हाई गियर में होता है, हाई गियर पे लो स्पीड में चलते हैं तब होता है। ठीक है, मैं अब फिफ्थ गियर में हूँ और बाइक चल रहा हूँ, इंजन नॉकिंग आने लगी है। मैंने एक डाउन करा, ठीक है, एक बार में एक ही डाउन करा, थोड़ा सा चला, फिर एक ही डाउन करा, थोड़ा सा चला। ठीक है, अभी मेरा जो है थर्ड गियर है, थर्ड गियर में 20-25 आराम से चल लेती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं 20 के नीचे गया, मैंने डाउन शिफ्ट किया, ठीक है, सेकंड गियर में कहाँ तक चलती है, सेकंड गियर में लोएस्ट स्पीड क्या है, सेकंड गियर में लोएस्ट स्पीड है 12-13, इतना आराम से चल लेती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो 12-13 जब तक है मेरी, तो मैंने सेकंड गियर ही चलाया। अब अगर मेरी जो है देखो 9-8 पहुँच गई, तो अब मैंने फर्स्ट गियर डाल लिया डाउन शिफ्ट करके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हर गियर की जो लोएस्ट स्पीड है ना, मतलब जैसे फिफ्थ गियर में गाड़ी कहाँ कंफर्टेबल होती है, आप लगाने को तो 35-40 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 40 के अराउंड फिफ्थ गियर में गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल होती है 40 तक। ठीक है, और कुछ जो एडवांस बाइक है जैसे MT, उसका स्प्रोकेट पीछे का थोड़ा बड़ा है, वो 30 भी उसको चलाओगे फिफ्थ गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिफ्थ गियर में भी। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली होती है 150cc बाइक जो होती है, वो अराउंड 40 के अराउंड फिफ्थ गियर में कंफर्टेबल होती है। अगर 40 से आपके नीचे की स्पीड जा रही है, तो आप क्लच लेस डाउन टिप कर सकते हो फोर्थ गियर में। ठीक है, और 35 से अगर नीचे स्पीड जा रही है, ठीक है, 32-33 जा रही है, तो आप क्लच लेस डाउन शिफ्ट कर सकते हो थर्ड गियर में। ठीक है, फोर्थ टू थर्ड, और उससे नीचे जा रही है 25 अगर आपकी जा रही है, 20-25 जा रही है, उस टाइम 20-25 में भी आप थर्ड गियर में चला सकते हो। 20 से जैसे ही बिलो जाएगी 19-18, उस टाइम आपको सेकंड गियर डाउन शिफ्ट करना है विदाउट क्लच। ठीक है, ऐसे आप विदाउट क्लच जो है शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे इससे इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है या कुछ होता है, बिल्कुल नहीं पड़ता, आप अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो, इंजन पे आपके कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि क्लच देखो इसलिए दिया गया है जिससे इंजन क्लच जो है गियर शिफ्टिंग को स्मूथ बनाता है, लेकिन बाकी जो गियर शिफ्टिंग की साइंस है या गियर शिफ्टिंग की मैकेनिक्स है, वो यही है कि जिस टाइम इंजन डिसंगेज होता है टायर से, उस टाइम आपको शिफ्ट करना है, तो वही हम कर रहे हैं, एक्सेलेटर छोड़ रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सेलेटर छोड़ रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे इंजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक आप छपरी राइडर नहीं हो। ठीक है, तो दिल पे मत लेना है मेरी बात, अगर आप रफ राइडिंग नहीं करते, नॉर्मल राइड करते हो, आपका हाथ आपकी गाड़ी पर सेट है, तो आप क्लच लेस डाउन शिफ्ट और अपशिफ्ट दोनों बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ट्रिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइक रिव्यूज़ के लिए और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, राइड हार्ड राइड सेफ।